हेयर टू द एंट्री ऑफ हॉस्टल्स ऑफ मिस्टर मेडिकल यूनिवर्सिटी, और ये गार्ड्स बैठे हैं फॉर सिक्योरिटी पर्पसेस। ये दो रास्ते जाते हैं निस्तर में इंटर होने के लिए, निस्तर हॉस्टल में। एक ये रोड जा रहा है और दूसरा ये हमारे पास जॉगिंग ट्रैक है। ये है हमारे पास तारिक हॉल जो कि गर्ल्स हॉस्टल है। इसके अलावा एक रफीदा हॉल है जो निस्तर यूनिवर्सिटी के निस्तर टॉवर के पीछे है बिल्कुल। एंड सेकंड ये है ग्राउंड, हॉस्टल का ग्राउंड है बहुत ही बड़ा सारा। यहाँ पे हमारे पास क्रिकेट की पिच है पड़ी, उसके अलावा हमारे पास फुटबॉल के लिए है, हॉकी के लिए, ये जॉगिंग ट्रैक बहुत ही। जो निस्तर बॉयज़ हॉस्टल है उसके 5 हॉल हैं, जमाल भुट्टा हॉल, इब्ने सीना हॉल, इकबाल हॉल एंड अर्राज़ी और आखिर में कासिम हॉल। तो अब मैं सबसे पहले है जमाल भुट्टा हॉल। यहाँ पे ज़्यादातर PGRs और HOs रहते हैं जिसकी वजह से यहाँ पे आप देख सकते हैं कि उनको AC लगाना अलाउ है। अब हम इंटर हो रहे हैं तो ये हमारे पास पार्किंग एरियाज हैं और ये ऊपर जाने का रास्ता है फर्स्ट फ्लोर पर। ये जितने भी हॉल हैं ये हॉल हो गए, इसके बाद जो हॉल मैं आपको दिखाऊंगा इधर सीनियर्स रहते हैं ज़्यादातर, और इधर ग्राउंड फ्लोर है, फर्स्ट फ्लोर है, और यहाँ पर जो रूम्स हैं ज़्यादातर वो एक बच्चे को दिए गए हैं, यानी सिंगल रूम है पड़े और एक बच्चा अकेला रह सकता है, लेकिन उन रूम्स का साइज़ बहुत छोटा है बनिस्बत इकबाल हॉल के रूम्स के। इकबाल हॉल के जो रूम्स हैं वो बड़े हैं और वहाँ पर हर रूम में 3 लड़के रहते हैं कम से कम, और कोई ज़्यादा बड़े रूम है तो उसमें 4 भी हैं, लेकिन 4 बहुत कम है, 1-2 ही होंगे ऐसे जहाँ पर 4 लड़के रहते हैं, बाकी तमाम रूम्स में 3 लड़के रहते हैं। ये डॉक्टर्स और कुछ बच्चों के पास जिनके पास कार्स होती हैं वहीं पार्क करते हैं। ये पार्किंग एरिया सारा ओके। उसके बाद है हमारे पास इब्ने सीना हॉल, मैं आपको अंदर से दिखा देता हूँ। इब्ने सीना हॉल में ज़्यादातर सीनियर्स रहते हैं 4th year, 3rd year एंड फाइनल ईयर तक। ये इधर पार्किंग, ये सीढ़ियाँ फर्स्ट फ्लोर पर जाने की, और उसके बाद ये हमारे पास रूम्स वगैरह, फर्स्ट विंग है, उसके बाद ये ग्रासी गार्डन है पर ये जितने भी हॉल्स हैं यहाँ पे सब में ऐसा ही ग्रासी सलॉन मौजूद है पड़ा, और ये बैक विंग। इट इज द इब्ने सीना हॉल, मैं वापस चलते हैं दूसरा। हियर इट इज अल्लामा इकबाल हॉल, और ये सबसे बड़ा हॉल है बड़ा हॉस्टल्स का। इसका ये ग्राउंड फ्लोर है, उसके बाद ये फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर, थर्ड फ्लोर तक है पड़ा ये, और यहाँ पे फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर और PGRs वगैरह भी जो थर्ड फ्लोर है उसमें PGRs वगैरह रहते हैं। उसके बाद आपको इसका इंटीरियर दिखा देता हूँ। ये पार्किंग की जगह, ये फर्स्ट फ्लोर की तरफ जाने के लिए सीढ़ियाँ, एक ग्रासी लॉन जैसे कि मैंने आपको कहा था कि हर हॉल में है। हियर इट इज़ द कॉमन रूम, उसके ऊपर लाइब्रेरी है, एंड हियर इट इज़ द जिम। ये मेरे ख्याल से मैस हॉल था जो ख़त्म हो गया, ऊपर जिमनीजियम है बॉयज़ के जिम करने के लिए। ये असल में आज मेला था, कल रात को मेला था तो उसकी वजह से ये सारा कुछ तैयारी की गई थी। उसके बाद ये बैक विंग में जाने का रास्ता, और ये सीढ़ियाँ भी ऊपर ही लेके जाती हैं जैसे फर्स्ट विंग में थी हमारे पास। ये बैक विंग में पार्किंग की जगह है पड़ी। दीज आर द रूम्स ऑफ इकबाल हॉल, हर रूम में 3 लड़के रहते हैं और कोई चीज़ भी निश्चय नहीं देता, आपने सब कुछ खुद लेके आना, बेड वगैरह जो आप लेना चाहते हैं, चारपाई जो कुछ भी लेना चाहते हैं, सिर्फ पंखे और लाइट्स वगैरह दे देते हैं, बाकी आपने जितना खर्चा करना है आप खुद करेंगे। उसके अलावा ये जो अलमारियाँ हैं ये यहाँ पर मौजूद होती हैं, लॉक वगैरह आपको
खुद सब कुछ खुद लगवाना पड़ेगा, शीशा भी खुद लेना पड़ेगा, सब कुछ खुद लेना पड़ेगा। दीवारों पे अगर आपने पेंट करवाना तो पेंट करवा सकते हैं, ये शीट्स चल जाती हैं। ये इस एंड पर वॉशरूम से पड़े, इसी तरह यहाँ पर भी एंड पर वॉशरूम है, इसी तरह फर्स्ट विंग में भी है, और इसी तरह जितने भी फ्लोर्स पर जाते जाएंगे तो इसी तरह के नक्शे पे पूरा हॉस्टल बना हुआ है। तो उसके बाद मैं आपको वॉशरूम वगैरह दिखा देता हूँ। तो दीज आर द वॉशरूम्स, इन्हें बकायदा एक दिन बाद साफ किया जाता है, और उसके बाद जो नहाने के लिए बात है वहाँ पर गीज़र लगा हुआ है और पानी गर्म होता है सुबह सर्दियों में। और ये हमारे पास फेस वगैरह धोने के लिए, फेस वॉश करने के लिए ये टूटियाँ हैं, और सात आठ टूटियाँ ये भी हैं, आराम से आप फेस वॉश वगैरह कर सकते हैं। उसके बाद अभी हम बाहर जा रहे हैं इकबाल हाल से। ये हमारे पास मेन कैंटीन है निश्तर की, सेंट्रल कैंटीन कहते हैं जिसे, सीसी। तो यहाँ पर हमारे पास रात तक हमें तो पहली बात ये कि पराठे मिल जाते हैं, तीन बजे तक हर तरह का पराठा मिल जाता है जैसे आप खाना चाहते हैं, आलू का, चिकन वाला, सादा अंडे के साथ मीठा पराठा, और सुबह सुबह नाश्ता भी अच्छा मिल जाता है, ब्रेड्स वगैरह चने के साथ, हर चीज़ के साथ, दही के साथ, वो भी मिल जाती है। और पीछे मेस हॉल है, और मेस हॉल में हमारे पास छः से सात खाने बनते हैं, चावल भी साथ होते हैं, चिकन भी लाजमी होते हैं डेली के यहाँ पर। और इसके अलावा हर जितने भी मैंने आपको पहले हाल बताया, इकबाल हाल, राजी हाल, इब्न सीना हाल, हर हाल का एक अपना मेस हॉल है, और हर मेस हॉल का एक अपना अलहदा टेस्ट है बड़ा। किसी की सब्ज़ी अच्छी तो किसी का चिकन अच्छा, किसी के चावल अच्छे हैं, जहाँ से आपका दिल करे वहाँ पर आप खा सकते हैं। हर मेस हॉल में छः सात खाने बनते हैं, तो पैसे दें और खाएँ। इट इज़ द राजी हॉल, ये ग्राउंड फ्लोर, और उसके बाद ये हमारे पास फर्स्ट फ्लोर। जितने भी हॉस्टल्स हैं ना, सबका ग्राउंड फ्लोर है और उसके बाद फर्स्ट फ्लोर है, लेकिन जो हमारे पास इकबाल है उसके, वो सबसे बड़ा हॉस्टल है, तो उसके मेरे पास तीन फ्लोर्स हैं और एक ग्राउंड फ्लोर है। उसके अलावा इसकी भी पार्किंग एरिया, ये ऊपर जाने की जगह सीढ़ियाँ, और सेम ग्रासी गार्डन जैसे कि सामने पाया जा रहा है, देख सकते हैं आप। कॉलेज है उसका रास्ता ही पीछे से ही जाता है, तो सेंट्रल कॉलेज इसके बिहाइंड है। इसका कासिम हॉल, इसकी पार्किंग एरिया, ये फर्स्ट फ्लोर पे जाने के लिए रास्ता, और यहाँ पर ज़्यादातर सीनियर्स जो रहते हैं वो बाहर के होते हैं, मतलब फॉरेनर्स होते हैं, उनको यहाँ पर ज़्यादातर रूम्स मिलते हैं। और ये यहाँ पर जो रूम्स होते हैं वहाँ पे अकेले अकेले को रूम मिल जाते हैं, मतलब एक बच्चे को पूरा रूम दे जाता है, लेकिन वो उनका साइज़ छोटा होता है। ये हमारे पास दूसरा रास्ता है, एक तो जहाँ से हम इंटरव्यू, तो ये दूसरा है बड़ा, यहाँ से डॉक्टर्स वगैरह जो है ना, या जो स्टूडेंट्स हैं बड़े, वो निश्तर मेडिकल यूनिवर्सिटी जाते हैं। बिल्कुल इस दरवाजे के ऑपोजिट या सामने करके हमारे पास निश्तर यूनिवर्सिटी का गेट है, तो यहाँ से वो निश्तर यूनिवर्सिटी जाते हैं, और यहीं से ही जब छुट्टी होती है तो वापस भी यहीं से ही आते हैं। उसके बाद ये हमारे पास है बड़ी जामे मस्जिद, यहाँ पर जुम्मे का अहतमाम किया जाता है, पाँच वक्त नमाजों का अहतमाम किया जाता है। उसके अलावा हमारे पास यहाँ दरसे कुरान भी होता है, तबलीगी जमातें भी आती हैं, और ये शुरू शुरू के दिनों में जूनियर्स के लिए सबसे ज़्यादा सेफ जगह होती है रैगिंग से बचने के लिए। ये हमारे पास स्विमिंग पूल है जो निश्तर में ही बनाया गया है, और ये गर्मियों में ओपन होता है, और यहाँ पे स्टूडेंट्स वगैरह नहा सकते हैं। शुरू शुरू में निश्तर की दीवारों से आपको बहुत खौफ आएगा, और आपका दिल करेगा कि हम घर ही जाएं, घर ही जाएं, लेकिन फिर आहिस्ता आहिस्ता आप यूज़ टू हो जाएंगे, और आपको निश्तर से ख़ास किस्म की मोहब्बत हो जाएगी,
और 5 साल जब आप यहाँ पे गुजारेंगे तो फिर यहाँ से आपका जाने का दिल भी नहीं करेगा, लेकिन फिर तब आपको जाना पड़ेगा। तो इंजॉय करें लाइफ। शुक्रिया, मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।